प्रकाश जब एक माध्यम से अलग अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है। ये समझने के लिए PHET सिमुलेशन का उपयोग करेंगे। टॉर्च प्रकाश का स्रोत है, वो हवा में रखा है। जब प्रकाश हवा से पानी में जाता है तब अधिकांश प्रकाश अपवर्तित होता है और थोड़ा प्रकाश परावर्तित होता है। इस मीटर से हम प्रवर्तन का प्रतिशत दर जान सकते हैं। 5% प्रकाश परावर्तित होता है और 95% अपवर्तित होता है। जैसे हम आपतित कोण बदलेंगे वैसे परावर्तित प्रकाश की मात्रा बदली होगी। कम कोण के लिए लगभग आधा प्रकाश हवा में परावर्तित होता है। जब हम माध्यम बदलते हैं तब परावर्तन की मात्रा देखिए। अगर टॉर्च पानी में रखा और दूसरा माध्यम हवा है तो प्रकाश एकाध कोण के लिए अलग वर्तन करता है। 100% प्रकाश पानी में परावर्तित होता है। इसे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस सिमुलेशन से हमने सीखा कि कुछ प्रकाश परावर्तित होता है जब प्रकाश अलग अपवर्तनांक वाले दूसरे माध्यम में जाता है। शास्त्रीय भाषा में सतह जो सबसे ज्यादा प्रकाश परावर्तित करती है और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाती है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण परावर्तन करने वाली सतह होती है। इतिहास के अनुसार दर्पण केवल चिकने बनाए हुए तांबा, पीतल या कोई कीमती धातु के टुकड़े थे। हम भी धातु से ऐसी सतह बना सकते हैं। एक स्टेनलेस स्टील की पट्टी को बालू लगे हुए कागज से चमकाया। हर पैड़ी पर ज्यादा बारीक कागज इस्तेमाल किया। जब तक सतह बहुत चिकनी होती है और प्रकाश परावर्तित करती है तब तक यही किया। हर पैड़ी के बाद पहले वाली पैड़ी के खरोंच कागज निकालता है। हम इस कृति से परावर्तन करने वाली सतह भी बना सकते हैं। सामान्य दर्पण बनाने के लिए कांच को बहुत ज्यादा चमकने वाले चांदी या एल्यूमिनियम जैसे पदार्थ का लेप चढ़ाते हैं जिसे सिल्वरिंग कहते हैं। कृति दर्पण अपने सामने वाली हर चीज को परावर्तित करता है, दूसरे दर्पण को भी। जब दो दर्पण कोई कोण बनाकर रखे जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या बढ़ती जाती है। देखते हैं कि एक की जगह दो दर्पण रखने से वस्तु देखने में क्या फर्क होता है। दो दर्पण पट्टी से जोड़कर टेबल पर रखे हैं। अक्षर आर दोनों दर्पण के बीच रखा है। अक्षर आर आड़ा या खड़ा सममित नहीं है। इससे हमें प्रतिबिंब की अभिमुखता जानना आसान होगा। दर्पण में कोण जब 120 होगा तो हमें आर के दो प्रतिबिंब दिखेंगे। हर दर्पण एक प्रतिबिंब देगा जो रेशा से समान अंतर पर होगा। जब कोण कम किया जाएगा तब ज्यादा परावर्तन होंगे और ज्यादा प्रतिबिंब दिखेंगे। जब दर्पण 90 डिग्री में होंगे तब दो प्रतिबिंब तीसरा प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल दर्पण एक साथ रखने से कोण ए के लिए मिलने वाले प्रतिबिंब की संख्या इस सूत्र से हमें मिलेगी। प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360 छेद ए माइनस एक। क्या आप ढूंढ सकते हो कि दर्पण में क्या कोण होगा जब 17 प्रतिबिंब मिलेंगे? कृति हम रबड़ या फोम का टुकड़ा लेंगे और वक्र दर्पण के साथ प्रकाश किरण किस प्रकार परावर्तित होती है ये समझेंगे। हम कबाब की डंडिया स्रोत से निकलने वाले प्रकाश किरण दर्शाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हम रबड़ को अंदर की तरफ मोड़ेंगे तो वो अंतर वक्र दर्पण जैसे होगा। देखिए कैसे सब डंडिया अभिसारित होती है और एक बिंदु में मिलती है। अंतर वक्र दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। अगर हम रबड़ बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो वो उत्तल दर्पण जैसे दिखेगा। डंडिया बाहर जाने वाली दिखेंगी। इसका मतलब उत्तल दर्पण अपसरण करता है। समांतर आपतित किरण दर्पण में परावर्तित होकर फैल जाते हैं। बहिर्वक्र दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहते हैं। कृति दर्पण के उपयोग दर्पण और भिंग दोनों की परावर्तन और अपवर्तन करने की क्षमता होती है। इस क्षमता की वजह से दर्पण और भिंगों का उपयोग शतकों से करते आ रहे हैं। समतल दर्पण दर्पण में सिर्फ देखने के अलावा और कई उपयोग होते हैं। पेरिस्कोप में समतल दर्पण प्रकाश को मोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे वस्तु का प्रतिबिंब निचले स्तर पर ला सके।
शत्रु की हलचल खुद दिखाई दिए बिना खाई में बैठकर देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पनडुब्बी के नौसैनिक पेरिस्कोप का इस्तेमाल पानी की सतह से ऊपर वाली चीजें देखने के लिए करते हैं। सूर्य प्रकाश का स्रोत होने से दर्पण का उपयोग दर्पण की अभिमुखता बदलकर संकेत भेजने के लिए कर सकते हैं। संकेत बहुत दूर तक भेज सकते हैं, साफ दिन में संभवतः 60 किलोमीटर दूर तक। खोज और बचाव करने वाले हेलीकॉप्टर को दर्शाने के लिए भी दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुरूप दर्शक क्लाइडोस्कोप में धोखादायक मोड़ के पार देखने के लिए नापने वाले यंत्र में, दर्पण टाइल में, सेक्सटेंट में, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एसएलआर कैमरा, मोटर कार के बाजुओं में लगाए दर्पण, सूक्ष्म दर्शक में और चमकने वाले नंबर प्लेट में इनका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण, गाड़ी में यात्री बैठने वाले बाजू में लगे शीशे ज्यादातर उत्तल दर्पण होते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण लिए जाते हैं क्योंकि उनसे सीधा लेकिन संकुचित प्रतिबिंब मिलता है। उनसे ज्यादा क्षेत्र नजर आता है क्योंकि वो बाहर की तरफ वक्र होते हैं। उत्तल दर्पण बड़े इमारतों में, बड़े दालानों में होते हैं। इन्हें हॉलवे सुरक्षा दर्पण कहते हैं, जैसे हॉस्पिटल, होटल, पाठशाला, गोदाम और अपार्टमेंट इत्यादि। वो ज्यादातर दीवार पर या छत पर बिठाए होते हैं। जहां दो दालन मिलते हैं या तीव्र मोड़ होता है, ये दर्पण हॉलवे में आने वाले लोगों को अंधस्थान पर उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम के पास सुरक्षा के लिए होता है। उपभोक्ता को दिखाई देता है कि पीछे क्या हो रहा है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण परावर्तन दूरदर्शक में होता है। मेकअप या दाढ़ी बनाने के दर्पण में बड़ी प्रतिमा पाने के लिए अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। रोशनी बढ़ाने के विनियोग में अवतल दर्पण छोटे स्रोत से प्रकाश एकत्रित करके उसे बाहर फेंकने के लिए, जैसे टॉर्च, हेडलैम्प और स्पॉटलाइट में उपयोग होता है। बहुत बड़े क्षेत्र से प्रकाश एकत्रित करके छोटे स्थान पर डालने के लिए, जैसे सौर ऊर्जा स्रोत में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। कई दांत के शीशे प्रतिमा बड़ी करने के लिए अवतल दर्पण इस्तेमाल होते हैं। चुनौती, एक गोल डिब्बे का निचला ढक्कन रंगाया हुआ है। इस ढक्कन में बहुत छोटा छेद है, बॉल पेन की नोक जितना। क्या आप ढक्कन खोले बिना ढूंढ सकते हैं कि उसे कौन सा रंग लगाया था?